हेलो गाइस, वेलकम टू अनदर वीडियो। एंड आज की वीडियो में हम लोग बैटल 200 कंप्लीट करेंगे फैटल टावर का। एंड ये मेरा राउंड 6 है, तो सबसे पहले यार इक्विपमेंट्स चेकआउट कर लेते हैं। एंड सारे इक्विपमेंट्स बिल्कुल सेम है। मैंने नॉर्मल टावर के लिए जो इक्विपमेंट्स यूज किए थे इस टावर मतलब इस बैटल के लिए भी वही इक्विपमेंट्स यूज कर रहा हूँ। एंड यहाँ शाओ खान का हेलमेट है, लेकिन मैं इसे भी यूज नहीं करूंगा क्योंकि इससे मुझे थोड़ी ज्यादा एडवांटेज मिल जाएगी। एंड लास्ट बैटल की तरह इसमें भी मैं सिर्फ दो अनकॉमन यूज कर रहा हूँ। कंटिन्यूसली 10 महीने हो चुके हैं, लेकिन अभी तक ये आर्मर मैक्स आउट हुआ नहीं है कैसी गेज का। एंड जनरली मुझे 3 ट्राइज लगते हैं अगर मैं टावर इक्विपमेंट्स यूज करता हूँ, बट अभी मैं कोई भी टावर इक्विपमेंट यूज नहीं कर रहा हूँ दो अनकमन को छोड़ के। तो मैं मान के चलता हूँ कि कम से कम मुझे 5 to 6 ट्राइज लग सकते हैं। एंड मैं बहुत ही ज्यादा उम्मीद कर रहा हूँ यार इस बार मुझे ब्रूटैलिटी गियर मिल जाए रेप्टाइल का। मतलब काफी टाइम से मैं कोशिश कर रहा हूँ कि मुझे ब्रूटैलिटी गियर मिल जाए, बट मिल ही नहीं रहा है। तो चलो यार इस बैटल को स्टार्ट करते हैं। ये बैटल एक्चुअली थोड़ा हार्ड है क्योंकि इसके अंदर रेप्टाइल मतलब उतनी ज्यादा प्रॉब्लम क्रिएट नहीं करेगा, लेकिन सैमसंग और जो रेन है ना वो बहुत ही ज्यादा प्रॉब्लम क्रिएट करने वाला है। क्योंकि जब जब सैमसंग या रेन हमें मारेंगे तो करीब 400 या 500 के हेल्थ रीजनरेट कर लेंगे। एंड ये भी बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। क्या बात है, इतनी जल्दी स्पेशल वन खुल भी गया और मार भी दिया। वाह ग्रेट, अब स्पेशल वन करेगा। बिल्कुल मुझे पता था स्पेशल वन तो इसका फेवरेट है। तो क्वांची क्या करता है, क्वांची रेजरेक्ट कर देता है वन टाइम, इसलिए मैं बच गया। अभी सैमसंग को या तो क्रिपल रखना है या तो पावर ड्रेन करना है, क्योंकि अगर स्पेशल टू किया तो पहली बात तो हेल्थ रीजनरेट करेगा एंड उसके बाद मेरा कैरेक्टर जो डेड हो जाएगा उसके बाद और 400 टू 500 के हेल्थ रीजनरेट कर लेगा। नो, ये बैटल हार्ड होने वाला है बहुत ही ज्यादा। चलो अनब्लॉक तो हुआ, कम ऑन, क्रिटिकल हिट हो जाए यार। भागने का कोशिश कर रहा था और भाग भी गया। मुझे ध्यान रखना है कि किसी भी तरह रेप्टाइल अपना ब्रूटैलिटी नहीं एक्सरे यूज नहीं कर पाए, क्योंकि अगर रेप्टाइल ब्रूटैल मतलब एक्सरे करता है ना उसका पूरा टीम हील हो जाएगा। एंड वो मैं बिल्कुल नहीं चाहता। अरे यार फिर मिस हो गया। नाइस, अच्छा हुआ मेरे पास स्पेशल वन बचा हुआ था। और मैं मरा, मुझे पता था। क्रिपल करो यार, क्रिपल करो जल्दी। एंड ये टॉक्सिक बॉम्ब है जिसके कारण हम बार बार पॉइजनस हो जा रहे हैं। फिर मिस हो गया। SP2 पर ब्लॉक कर लिया, अनब्लॉक हो पाएगा? नहीं हुआ, हम फिर डेड हो गए। अच्छा है मैं रेप्टाइल मार रहा है, क्योंकि अगर रेन और सैमसंग मारेंगे तो हेल्थ रिजनरेट कर लेंगे वो लोग। कुछ चिल्लर और तुम एक्सपेक्ट भी क्या कर सकते हो गेम से। चलो यार स्टार्ट करते हैं। गाइस वैसे मैं आपको बता देता हूं कि अगर आपके पास कॉम्बैट कप जॉनी केज हो गया, कैसी केज हो गई, डार्क रेडन हो गया, क्लासिक स्कॉर्पियन एंड हांजो हतासी स्कॉर्पियन, हाँ ये कुछ 4-5 कैरेक्टर अगर आपके पास नहीं है तो आप इनको मैक्स आउट कर लीजिए। ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है अगर आप टावर कंप्लीट करना चाहते हैं। और अगर आपके पास डायमंड नहीं है तो इन कैरेक्टर्स को आप यूज़ कर सकते हैं, ये बहुत ही ज़्यादा यूजफुल कैरेक्टर है। क्या बात, डायमंड कैरेक्टर कैसे गेज मतलब गोल्ड कैरेक्टर बन गया है। ओह ब्लॉक, एकदम जल्दी जल्दी ब्लॉक कर लेता है। चलो ये थोड़ा डिसेंट डैमेज हुआ। कैसी केज काफी ज्यादा फास्ट कैरेक्टर है, बट ये काउंटर अटैक थोड़ा प्रॉब्लम क्रिएट कर। अरे यार 10% चांस है, कम ऑन यार, 3 बार कंटिन्यूअसली।
10% चांस के अंदर, ओनली 10% चांस है गाइस। अरे यार चलो क्वांची बचा लिया एटलीस्ट एक बार हमको, बहुत ज्यादा ही फेड कर रहा है। चलो यार चलो क्रिपल हो जा। स्पेशल टू गाइस मुझे फ्री मिला क्योंकि मैंने टैलेंट्स में सेट करके रखा है। मैं कोशिश कर रहा हूँ कि मैं इसे रेप्टाइल के हाथों से मरूं क्योंकि अगर रेप्टाइल के हाथों से मरूंगा तो ये लोग हेल्थ रिजेनरेट नहीं कर पाएंगे। और इन दोनों के एक्सरे खुल चुके हैं, अगर स्नेयर हो जाएगा तो हम बच सकते हैं, नहीं तो अभी वो दोनों आके तुरंत एक्सरे कर देंगे। क्या बात है, हम बच गए, अब हम डेड, हमको पता था। चलो उनके एक्सरे करने से तो बढ़िया ही हुआ क्योंकि एक्सरे करने के बाद 400 to 500 के हेल्थ रिजेनरेट कर लेता। वाओ 30 सोल्स, ये एक्सपेक्ट नहीं किया था हम। इस गेम में बस लोडिंग में टाइम बहुत ज्यादा लगता है। चलो जॉनी केज लेट्स डू दिस। क्या लगता है इस ट्राई में हम रेप्टाइल को मार पाएंगे? उम्मीद कम है लेकिन ट्राई करते हैं। अगर स्नेयर हो जाएगा ना देखे करके हम इसको मारेंगे। क्या बात है स्नेयर हो गया क्योंकि हम टैलेंट्स में सपोर्ट के अंदर वीक पॉइंट अटैक को मैक्स आउट करके रखे हैं, तो जब भी पाउडर होगा ना तो 40% चांस है कि अपोनेंट स्नेयर हो सकता है। नाइस डैमेज, अनब्लॉक नहीं हो रहा जल्दी। चलो फिर से स्नेयर हो गया, बच गए। अभी स्पेशल ऑन खुला हुआ नहीं होता ना तो दिक्कत हो जाती। चलो चलो बच गए, 2 times इन ए रो। ऐसा लग रहा है हम इसको डाउन कर देंगे, हमको पता था। सिट, बहुत लकी चल रहा था अभी। SP2 भाग गया। ओए मौका मिलता नहीं कि निकल जाता। जल्दी जल्दी पाउडर इन करना पड़ेगा हमको। चलो SP1 लुइकांग को यूज नहीं करने से ना यही दिक्कत है कि इनके SP1 SP2 ये जब मन तब करेंगे। एंड क्योंकि इसके पास किंग कोबरा बैंड लगा हुआ है तो बार बार मीटियोर गिरेगा मेरे ऊपर और हम क्रिपल हो जाएंगे, ये और थोड़ा प्रॉब्लमेटिक है। पावर ड्रेन कोई फर्क नहीं पड़ता, ब्लॉक करें नहीं करें, हमको इसको पावर ड्रेन करके रखना है कंटिन्यूसली। रेन एक्सरे लेकर रेडी है, अगर रेन आ गया ना तो हम तो गए। ब्रूटैलिटी ग्रेट, देख लो गाइस ब्रूटैलिटी आपने से। अरे यार 400 के हेल्थ रिजनरेट कर लिया जैसा कि हम सोचे थे। ये रन उतना ज्यादा ग्रेट हम नहीं बोलेंगे, एक्सरे कर तो रहे लेकिन कोई फर्क पड़ेगा नहीं। बस 88,000 डैमेज क्योंकि हम कोई भी टावर इक्विपमेंट यूज नहीं कर रहे हैं इसके अंदर। अब ये भी 500 के हेल्थ कर लिया। चलो चलो कोई बात नहीं कोई बात नहीं। अभी तक शायद 3 tries हुए हैं या 2 tries, 3 tries हो गए शायद। हमको उम्मीद है कि इस बार हम रेप्टाइल को डाउन कर लेंगे। डैमेज अच्छा हो रहा है पर। चलो स्नेयर हो जा भाई मेरे, नाइस। चलो इसके मरने के बाद सिर्फ इन दोनों को मारना बाकी रहेगा जो कि थोड़ा ज्यादा मुश्किल होने वाला है क्योंकि वो जब जब मुझे मारेंगे तब तब हेल्थ रिजेनरेट करेंगे और वो एक दूसरे के बीच में टैग इन टैग आउट करते रहेंगे।
तू क्रिपल हो जाए मेरा भाई। नाइस यार, ये हमको डैमेज क्यों हो रहा है इतना ज्यादा मेरे बैकग्राउंड में? कोई इक्विपमेंट का कमाल है, पता नहीं कौन सा इक्विपमेंट है यार। अनब्लॉक नहीं हो रहा है, अनब्लॉक नहीं हुआ। ओह नो, मारेगा। ब्रूटैलिटी, ग्रेट। आप में से जिनको भी सैमसंग का ब्रूटैलिटी देखना था आप देख सकते हैं यहाँ पे। क्रिपल हो गया है क्वांची। कुछ खास डैमेज करने के लिए मैंने क्वांची को रखा भी नहीं था, और 400 के हेल्थ फिर से रिजनरेट कर लिया। यह टाइम लगेगा, इस बैटल को कंप्लीट करने में थोड़ा टाइम लगेगा मेरे हिसाब से। मतलब मेरी टाइमिंग एकदम परफेक्ट होनी चाहिए, जैसे ही टैग इन या टैग आउट करें हमको तुरंत क्रिपल करना है या पाउडर रेन करना पड़ेगा। अगर हल्का सा भी हम मिस्टेक करते हैं ना तो हेल्थ रीजनरेट कर लेगा हमको मार के। अब हमको लगता है कि 2 मिनट की जगह 1 मिनट टाइम मिलता ना तो ज़्यादा अच्छा रहता। मतलब गोल्ड टीम्स के लिए 1 मिनट काफ़ी है, क्योंकि 2 मिनट तक तो हम इन लोग को संभाल पाते नहीं हैं। अब देखो ये स्पेशल वन करेगा, कर ले भाई कर ले। हाँ हमको पता था स्पेशल वन यार बहुत जल्दी करता है, बस इसका पावर बार एक बार फुल हो जाता है उसके बाद ये छोड़ता ही नहीं है। चलो यार स्नेयर हो गया कम से कम। ये काउंटर अटैक ही तो यार वही ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है बस। प्रॉब्लम है कि ये जो काउंटर अटैक करता है ना उसी से ये रहा। सोक होने के बाद कैरेक्टर इतना ज़्यादा स्लो हो जाता है, इतना ज़्यादा स्लो हो जाता है। कम ऑन भाई मेरे, हमको समझ में नहीं आ रहा। 45 और इधर 25, करीब 70% चांस अनब्लॉक होने के। और अनब्लॉक मतलब रिडक्शन का कोई इक्विपमेंट भी नहीं है इनके पास, तो फिर अनब्लॉक हो क्यों नहीं रहा है? एवरी सिंगल हिट अनब्लॉक होना चाहिए। और ये भी डेड हो जाएगा, क्या बात है भाई, इतने सारे ब्रूटैलिटी। अच्छा 400 के हेल्थ बार बार रीजनरेट कर रहा है ना, वो बहुत ही ज़्यादा महंगा पड़ रहा है हमको। अरे कम ऑन, 25% के नीचे नहीं था वो। सब कुछ भी हो रहा है इस गेम के अंदर, वो 25% नहीं था, कम से कम 30% था। यार अब दिमाग खराब हो रहा है मेरा। ये बैटल जब हम स्टार्ट किए थे ना तो इन दोनों का जितना हेल्थ था अब उससे ज्यादा हेल्थ रीजनरेट हो गया ये लोग का। अब ये एसपी वन करेगा, अच्छा वो हम ऐसे ही मर गए। आई थिंक फाइनल कैरेक्टर डेड होने से हेल्थ रीजनरेट नहीं करता है। काश इस गेम में कोई तरीका होता कि हम सिर्फ एक ही कैरेक्टर यूज कर सकते थे तो जब भी हम मरते तो ये लोग हेल्थ रीजनरेट नहीं कर पाता, पर एक कैरेक्टर से हम जितना चाहे उतना डैमेज कर सकते थे एंड में। बट इसमें कंपलसरी है, इसमें यूज करना ही पड़ेगा 3 कैरेक्टर। मतलब ये सिस्टम गलत है यार, मतलब ये हमारी चॉइस होनी चाहिए कि हम कितने कैरेक्टर चूज करें फाइट करने के लिए। 3 मैक्सिमम होना चाहिए और मिनिमम हम कितना भी यूज कर सकते हैं, 1 कैरेक्टर 2 कैरेक्टर तो बहुत ही बढ़िया रहता मेरे हिसाब से, खासकर इस तरह की बॉस फाइट्स के लिए। क्योंकि आपके पास जितने ज़्यादा कैरेक्टर्स होंगे उतने ज़्यादा कैरेक्टर्स को ये मारेगा, और जितने ज़्यादा कैरेक्टर्स को ये मारेगा उतना ज़्यादा हेल्थ ही रीजनरेट करेगा। अरे यार हम एसपी 2 नहीं करना चाहते, हमको लगा हम केसी केज को यूज कर रहे हैं। अनब्लॉक हो ही नहीं रहा, पर इसको इस बार हम बहुत ही ज्यादा लो कर लिया है। और ये एसपी 1 करेगा बिल्कुल, इसको एसपी 2 करना ही नहीं है, इसको अच्छा ही नहीं लगता एसपी 2। एंड हम भी डेड। अच्छा क्वांची बचा लिया, हम भूल गए थे क्वांची के बारे में। पावर ड्रेन करो यार, पावर ड्रेन करो। यह ब्लाइंड भी हो गया ना, और ज्यादा दिक्कत। हेल्थ रिजनरेट कर लिया फिर से यार, एक तो इतना मुश्किल से इसको हम डाउन कर रहे हैं। 900 के हेल्थ रिजनरेट कर लिया फिर से यार, ये तो मरने का नाम ही नहीं ले रहा है। और हम भी डेड।
साला उंगली दिखाता है, तेरे को हम बता रहे। यार रेन को तो कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा है, ऐसा लग रहा है कि रेन को कोई डैमेज हो ही नहीं रहा। चल सैमसंग अब मर भी जाए यार, कितना परेशान करेगा। और ये तो अलग ही हमको क्रिपल कर दे रहा है मीटियोर। चलो टैग आउट कर लेता, हमको पता था स्पेशल वन करेगा और ये भी स्पेशल वन करेगा। बिल्कुल बिल्कुल, ये तो रुकने का नाम ही। यार बहुत ही ज्यादा एनोइंग कैरेक्टर है रेन। ये भी करेगा स्पेशल वन, पर हम इसको मौका ही नहीं देंगे स्पेशल वन यूज करने का। अरे यार एक तो ब्लाइंड होने से दिक्कत ये है ना। चलो थैंक्स टू टैलेंट्री एक स्पेशल टू फ्री मिला, पर ये अनब्लॉक ही नहीं हो रहा है। थैंक यू अनब्लॉक होने के लिए। अभी ये इसको फिर से मार देगा। अभी हमको इतना ज्यादा गुस्सा आ रहा है, इतना ज्यादा गुस्सा आ रहा है ना। ग्रेट 200 के ऐसे रिजनरेट किया, अब इसको मारेगा जोनी केज को, उसके बाद और 400 के रिजनरेट करेगा। एंड ये टॉक्सिक अलग ही मेरे कैरेक्टर को मेल्ट कर रहा है। बहुत ही ज्यादा लो कर दिया हम सैमसंग को और 400 के। यार कम ऑन भाई मेरे, हम क्लिक कर दिए थे, हम क्लिक कर दिए थे। अरे क्रिपल हो गया ना, अरे मौका तो दे यार हमको यूज करने का पहले। ग्रेट 2 times कंटिन्यूअसली हम क्रिपल हो गए। अब इस बार हम क्या ही कर सकते हैं। एक और सपोर्टी भी मैक्स आउट हो गया शायद, हाँ मैक्स आउट हो चुका है। कम ऑन यार ऑलरेडी 7 tries हम कर चुके हैं, 7 tries या 8 tries ठीक है, कितना भी ट्राई किए हैं। हमको अभी बहुत ही ज्यादा गुस्सा आ रहा है, बहुत ही ज्यादा। हम इनको मार ही नहीं पा रहे यार। सैमसंग तो ऐसा मानो ही मरना ही नहीं चाहता, इतना गुस्सा आ रहा है ना। 3 उंगली इसलिए हम यूज कर रहे हैं, हमको सीरियसली बहुत ही ज्यादा गुस्सा आ रहा है। देखो अरे भाई रुक जा मेरे यार, स्पेशल 2 तक तो फुल होने दे कम से कम। ब्लॉक भी कर लेता है, इतना जल्दी कैसे पता नहीं। थैंक यू अनब्लॉक होने के लिए। अरे यार अनब्लॉक हो ही नहीं रहा। चलो चलो स्नेयर हो जा मेरा भाई, हो जा। थैंक यू यार, ये जो टाइम है ना, मतलब अगर पॉइजन बैकग्राउंड में मुझे इतना ज्यादा डैमेज नहीं दे रहा होता ना, तो हम काफी जल्दी इस बैटल को कंप्लीट कर लेते। प्लस ये कोबरा बेल्ट तो अलग ही हमको क्रिपल बना के रखा है। चलो चलो पावर ड्रेन करो यार, 2 मिनट तो ऐसा लग रहा है खत्म ही नहीं हो रहा है। 1 मिनट का टाइम मिलना चाहिए, 1 मिनट का वो बेस्ट रहेगा गोल्ड टीम के लिए, क्योंकि यहां पे हम डन हो चुके हैं। पॉइजन हमको ड्रेन करते रहेगा और हम अभी डेड हो जाएंगे, और ये 500 की हेल्थ रीजनरेट कर लेगा। ग्रेट, ऐसे तो यार ये कभी नहीं मरेगा। और नो SP2 करेगी, हमको पता था। कोई असर ही नहीं हो रहा है। हो गया गाइस, इस टीम के साथ नहीं होगा ठीक है। मतलब क्वांची को हमको हटाना पड़ेगा, बस एक कैरेक्टर को हमको क्लासिक आर्मी यूज करना पड़ेगा। बहुत पहले हम क्लासिक आर्मी को यूज करते हैं, लेकिन हमको लगा शायद हम ऐसे ही क्लियर कर सकते हैं, लेकिन हम गलत थे, बिल्कुल नहीं होगा। क्लासिक आर्मी हमको चाहिए, बिना क्लासिक आर्मी के गोल्ड टीम से इस बैटल को हराना बहुत ही मुश्किल है, इम्पॉसिबल है।
हम कोई भी इक्विपमेंट नहीं लगाएंगे क्योंकि इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता। मर जा यार, मर जा भाई, हेल्थ में कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा। ये ऐसा लग रहा है कि हम फोर्थ टाइम जो ट्राई किए थे ना, और अभी जो हम ट्राई कर रहे हैं, दोनों में इनके हेल्थ बिल्कुल सेम है। सैमसंग मरने का नाम ही नहीं ले रहा है। क्या बात है, देखो कितना ज्यादा बैकग्राउंड में डैमेज हो रहा है। अब लग रहा है कि इसका हेल्थ कम हो रहा है। अगर हम शुरू से क्लासिक अर्मे को यूज किए होते ना, तो मेरे हिसाब से 6 ट्राइज के अंदर खत्म कर चुके होते हैं इजिली। 6 ट्राइज लगते हैं मुझे मैक्सिमम, जहां तक हमको लग रहा है। अरे यार, इतनी जल्दी जल्दी काउंटर अटैक कैसे कर रहा है? शील्ड ब्रेक हो गया गाइस, शील्ड ब्रेक होने से ज्यादा डैमेज होता है। अनब्लॉक हो जाए, अनब्लॉक नहीं, लेट हो गया। हम अनब्लॉक करके स्पेशल 2 करना चाहते हैं, पर बहुत लेट हो गया। हम मरना नहीं चाहते, अगर मर गया ना और 400 के। अरे यार, अब मेरा दिमाग खराब हो रहा है। हम ये वाला फिर से नहीं करेंगे यार, बहुत हार्ड है गोल्ड टीम के साथ, बहुत ही ज्यादा हार्ड है। गाइस हमको नहीं पता आप लोग कैसे कंप्लीट कर रहे हैं इस बैटल को, पर मेरा तो दिमाग खराब हो गया। मतलब बहुत ही ज्यादा दिमाग खराब नहीं हुआ, एक्चुअली मैं कोल्ड वॉर टावर के बैटल 200 में जितना दिमाग खराब हुआ था ना, उतना दिमाग मेरा खराब नहीं हुआ, बट फिर भी मेरा दिमाग खराब हो चुका है। चलो अच्छा है, फाइनल कैरेक्टर के मरने से ये हेल्थ रिजनरेट नहीं करता। यार मेरा दिमाग खराब हो गया पूरी तरह से। अभी भी हमको इस बात की गारंटी नहीं कि अभी मैं कितने ट्राइज लगेंगे, मतलब ये बिल्कुल एक्यूरेट होना चाहिए। इनको स्पेशल अटैक बिल्कुल यूज करने देना नहीं है। टैग इन या टैग आउट जब भी करेगा, तुरंत इनको पावर ड्रेन करना है, क्रिपल करना है। यार बहुत मुश्किल है, एक तो पता भी नहीं चलता ना कभी टैग आउट कर देंगे। जैसे कि मैं टैग आउट करता हूँ तो मैं किसी कैरेक्टर पे क्लिक करता हूँ, उसके बाद वो थोड़ी देर हिलता है तो मुझे पता चल जाता है, मतलब किसी को भी पता चल जाएगा कि हम टैग आउट कर रहे हैं। लेकिन अपोनेंट का तो क्या है कि हमें शो करता नहीं है कि वो कब टैग आउट करने, जैसे अभी टैग आउट हो गया, कितनी जल्दी टैग आउट किया, और इसका SP1 रेडी होने से ही SP1 कर देता है। फिर भी जो बैकग्राउंड में डैमेज हो रहा है ना क्लासिक आर्मेक से, वो बहुत ही अच्छा हो रहा है। अगर क्लासिक आर्मेक को अभी हम यूज नहीं किए होते ना। मर जा मर जा मर जा प्लीज, थैंक गॉड फाइनली। अब हेल्थ रिजनरेट नहीं करेगा रेन क्योंकि सैमसंग मर चुका है। कम ऑन कैसी केज, यू कैन डू इट। यार हमको जॉनी केज चाहिए, बहुत स्लो है कैसी केज। लगता हम कर लेंगे, हमको उम्मीद है हो जाएगा। अरे यार प्लीज, अब ब्लॉक कर लिया सेट। अभी अगर जॉनी केज मरा ना तो हमको नहीं लगता इस ट्राई में भी कंप्लीट हो पाएगा। प्लीज हो जा, थैंक गॉड, थैंक यू एल्डर गॉड्स, फाइनली ये बैटल कंप्लीट हुआ यार, फाइनली। हम फिर ऐसा नहीं करेंगे, अब प्लीज हमको रेप्टाइल का ब्रूटैलिटी दे दो यार। अरे यार क्यों हमको मिल ही नहीं रहा है, गेम ऐसा लग रहा है हमको देना ही नहीं चाहता। चलो क्वांची कम से कम थोड़ा डिसेंट है, गोरो से तो बेटर गया। एंड क्वांची इसके साथ फ्यूजन 2 हो जाएगा, सॉरी फ्यूजन ऑन। ऐसा लगता नहीं कि मुझे रेप्टाइल का ब्रूटैलिटी गियर मिलेगा। तो हाँ यार, आज की वीडियो को फिर यही एंड करते हैं, फिर मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में।